बिग बॉस 7 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले चुके एक्टर एजाज खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एजाज को ड्रग्स रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ANI के ट्वीट के मुताबिक सोमवार देर रात बेलासुर के एक होटल से नैरोटिक्स सेल की टीम ने एजाज खान को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि एजाज खान कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शो में नजर आ चुके हैं। मुंबई पुलिस के एंटी नैरोटिक्स सेल के एजाज खान को होटल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक्टर के पास से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 8 गोलियां मिली है नशे की एजाज खान के पास से। इंटरनेशनल बाजार में इनकी कीमत 2,20,000 है। पुलिस को खबर मिली है कि रविवार को मुंबई के स्टार होटल में रेड पार्टी चल रही है। इसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारा, वहीं से एजाज पकड़े गए। फसाया जा रहा है मेरे को, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, सब जानते हैं। फसाया जा रहा है, कौन साजिश कर रहा है? वो बाहर आएगा, सब बाहर आएगा। एजाज खान बिग बॉस के टाइम में काफी सुर्खियों में आ गए थे और ये लगातार विवादों में कहीं ना कहीं घिरे रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से।